हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन पे ब्लैक बोर्ड डेकोरेशन। तो ये बहुत ही सिंपल वे में बनाया है, बट मेरे जो दो मैंने यहाँ पे जो बच्चे बनाए थे, भाई बहन बनाए थे, उनका थोड़ा सा फेस बेकार हो गया, क्योंकि जब मैंने आउटलाइन की थी तो वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं ट्रेस करती हूँ तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसे बनाया मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मैं आपको बता देती हूँ। बट कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, थोड़ा इससे भी डिफरेंट कर लेना, बट अच्छा लगेगा। बट पैटर्न यही रखना। मेरे पे जो चॉक्स थी वो मेरी थोड़ी सी खत्म हो गई थी, तो मेरे पास जो चॉक बची थी मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर कर दिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लड़का और एक लड़की बनाई, फिर नीचे मैंने ऐसी प्लेट बनाई, उसमें लड्डू लगाए और एक दिया रखा, और लड़की के हाथ में मैंने राखी भी बनाई। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एक पत्ती बनाई, देन साइड में मैंने यहाँ पे डंडियाँ बना दी, उन डंडियों में मैंने पत्तियाँ लगा दी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बस फेस आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा करना हो, बट थोड़ा सा फेस अच्छा सा लगना चाहिए। बट जब मैं बना रही थी तब मैंने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मैंने बना दिया तब मैंने ध्यान किया कि यार फेस उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत अच्छा बच्चे का फेस बनाऊँ, जितना आप भी ईजी वे में बना सके। और मैं बच्चों के फेस ना आपके लिए पर्टिकुलर अलग से भी बता दूंगी कि इसे सिंपल वे में कैसे बना सकते हैं, जिससे आप भी ईजी वे में इसे बना सके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लड़की को जो है लहंगा चुन्नी पहनाया था और लड़के को धोती कुर्ता पहनाया था, तो दोनों बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छे तो लग रहे हैं यार, इतने भी बुरे नहीं लग रहे, बट इट्स ओके। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप चाहते हैं ब्लैक बोर्ड डेकोरेशन, नोटिस बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड या फिर सॉफ्ट बोर्ड बोलूँ, तो अगर आप चाहते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन देखना, तो आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। आपको बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नए नए तरीके के आपको डिज़ाइंस मिलेंगे। और हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और आप हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, है ना, तो इससे हमारी फ्रेंडशिप होगी कि नहीं, तो कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लीव्स में ब्लू कलर का शेड दिया है, और वहाँ पे जो स्टिक बनाई थी उसमें मैंने येलो कलर का शेड किया, और लीव यहाँ पे जो मैंने बड़ी सी पत्ती बनाई थी उसमें मैंने येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया। तो आप कलर जो है अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कलर जो चॉक थी मैंने डॉम्स, और अप्सरा की जो चॉक आती है वो उतनी अच्छी नहीं, मतलब अच्छी तो होती है, लिखने के कंपैरेटिवली बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब हम उसे ड्राइंग करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो उससे ना अगर हम जब यूज़ करते हैं ना, मैं किसी की देखो बुराई नहीं कर रही, बट उससे जब हम यूज़ करते हैं ना तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।